सरकारी विद्यालयों को मॉडल व इंग्लिश मीडियम बनाकर गरीबों के बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उनका भविष्य सुधारने की सरकार द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर कभी सत्यता जानने का प्रयास नहीं किया गया कि स्कूलों का बोझ जिस अध्यापकों के कंधे पर डालकर सरकारी मंशा पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वह अध्यापक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी हाजिरी प्राथमिक विद्यालयों में और समय कहीं और बीत रहा है, तथा ब्लॉक का स्तर से लेकर जिला के विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत से विद्यालय के बाहर रहते हुए भी वेतन के रूप में मोटा रकम वसूला जा रहा है, तथा उसकी पूर्ति करने के लिए अपने जगह पर किसी और को विद्यालय में भेजकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिले के मोहदा विकास खंड के पीपरा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्रकाश में आया है, जहां हमीरपुर जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही से इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पिपरोदा गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात अध्यापक दूरदराज के गांव में जाने से बचने के लिए अपनी जगह प्राइवेट टीचर रखकर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट टीचरों का विरोध करने पर यह अध्यापक दबंगई पर उतर आते हैं। जब समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता ने इस बात की पड़ताल की तो प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो प्राइवेट अध्यापक ने बताया कि अध्यापक छुट्टी पर है, इसलिए वह पढ़ा रहा है। जब इस मामले की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ली गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई जा रही है। एक हफ्ते के अंदर जांच आएगी, जांच में जो तथ्य खुलेंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक तैनात है वह कभी नहीं आते और कभी आते हैं, अपनी जगह प्राइवेट टीचर लगाकर बच्चों को पढ़वा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस मामले में कोई कदम उठाता है या इसी तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे थे आप? देखो ये फोटो खींच रहे। आप कौन है, आप यहाँ क्या कर रहे थे? आप क्लास में पढ़ा रहे थे? आप कौन है, यहाँ पे किस पद पर तैनात है आप? आप बच्चों को किस पद पर तैनात हैं? ये कौन है, आप लोग नहीं जानते हैं? क्या नाम है सर का? क्या नाम है इनका? ये आपको क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आपको? ये मैडम कह रही हैं क्या कि आप लोग बताइए? नहीं, चलो लाइन लगा। क्यों भैया, आप बताओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप किस पद पर तैनात हैं? अरे खाली थे तो पढ़ा रहे थे। किसके स्थान पर आप पढ़ा रहे थे इन बच्चों को? अरे तो डीजे छुट्टी में थे तो पढ़ा। आपका क्या नाम है? बात कर लो। नहीं नहीं, आपका नाम क्या है, आप बात किससे करा रहे हैं? आपका नाम क्या है मैडम, आपको जानने के लिए बोल रही हैं? आपका नाम क्या है मिस्टर? गांव कौन सा है? पिपरौंदा। अच्छा, क्या मामला है यहाँ? हमारे बच्चे आते हैं, सारा दिन खेलते हैं कूदते हैं और पढ़ाई होती नहीं है, और सारा दिन टीचर अपने मोबाइल में बात करती रहती हैं, और अब कुछ लड़के लगाए हैं उन पढ़ाते हैं, और इसके बाद यहाँ सारा दिन मोबाइल चलते हैं। सैयद जी, गांव कौन सा है? पिपरौंदा। क्या मामला है? ये मामला है कि यहाँ के सरकारी टीचर आते हैं, हाजी लगा कर भाग जाते हैं, प्राइवेट बच्चों से पढ़वाते हैं, प्राइवेट लड़के जो है हाई स्कूल वाले उनसे पढ़वाते हैं। अच्छा, और अगर वो कुछ भी शिकायत किया जाए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीखा मैडम है तो वो जल्दी लड़ती हैं, अब फ़ोन में लगी रहती हैं, अपन फोन दिन भर पता नहीं फ़ोन में क्या करती रहती हैं, और बच्चों को संग से पढ़ाती नहीं, बच्चों से यहाँ पानी कहीं भराएंगे, कहीं प्लेट धुलवाएंगे। गांव कौन सा है? पिपरौंदा। अच्छा, क्या मामला है? ये स्कूल में मैडम लोग आती हैं और दिन भर फ़ोन में लगी रहती हैं, और बच्चों से कहीं काम कराएंगे, बर्तन धुलाएंगे, कुछ करेंगी, और उसके अलावा जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें कुछ नहीं हुआ, मैडम दिन भर आती है और फोन में लगी रहती है। अच्छा, कैसा वीडियो वायरल हुआ था? यही काम के चक्कर का कि आती हैं स्कूल में, आती हैं दिन भर बैठी रहती हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं करती हैं,
आएंगी, हाजी चढ़ाएंगी, बैठी रहेंगी, मन हुआ तो घर भी चल जाती हैं। और प्राइवेट लड़कों से भी पढ़वाती हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर के लड़के आ जाते हैं तो उनको द्वारा उनसे पढ़ाई कराती हैं और अपने दिन में बैठे बैठे फ़ोन चलाती हैं। बाद ही सारी स्थितियाँ साफ कर दी जाएंगी, इसमें कौन तैनात है अध्यापक? और सर किसी मीडिया पर्सन के साथ बदसलूकी की गई वहाँ पर जो तैनात थे उसके बारे में क्या? मामला संज्ञान में नहीं है, खंड शिक्षा अधिकारी के दोनों तथ्यों पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। वहाँ पर सर आरोप लगाया जा रहा है कि जो टीचर तैनात हैं वो नहीं रहते और प्राइवेट लोग पढ़ाते हैं। सारे बिंदुओं की खंड शिक्षा अधिकारी से विस्तृत जाँच रिपोर्ट मंगा करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कब तक जाँच आ जाएगी? जाँच पत्र भेजा है, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।